की तरफ, इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन शाश्लिक, ऑप्शन नंबर टू सोनो चंदा, ऑप्शन नंबर थ्री संगे माह, या ऑप्शन नंबर फोर वो ड्रामा जो तकरीबन रोज तो नहीं लगता होगा लेकिन कभी कभी डोडी के साथ घर में लगता है, यानी कि आपके हस्बैंड। आई थिंक माय फेवरेट इज शाश्लिक। शाश्लिक। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? तकरीबन सारी ही आपकी दोस्त हैं। जरा गौर कीजिएगा, नादिया के एक्सप्रेशन चेंज होंगे थोड़े थोड़े से। ऑप्शन नंबर वन महविश हयात, ऑप्शन नंबर टू मायरा खान, ऑप्शन नंबर थ्री आयशा उमर, ऑप्शन नंबर फोर सबा कबर। आपका कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत इंस्पायर्ड किया किसी कैरेक्टर ने? ऑप्शन नंबर वन अनारकली, ऑप्शन नंबर टू पारो, ऑप्शन नंबर थ्री लारा क्राफ्ट, या फिर ऑप्शन नंबर फोर डाइन। आई थिंक लारा क्राफ्ट। लारा क्राफ्ट। और आपको अगर मैं चॉइस दूं एज अ डायरेक्टर कि आप खुद को अपने आप को इन चारों में से किस? लारा क्रॉफ्ट डेफिनेटली। एंजेलिना जोली इज माय फेवरेट एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग एडवेंचरस कैरेक्टर। और अगर मैं कहूं कि आपको डाइन का किरदार देना चाहिए? तो कर लूंगी। मतलब हूं मैं चुड़ैल। किस एक्टर को कभी कभी चाहे दो घंटे के लिए या चार घंटे के लिए या एक दिन के लिए कभी आपका क्रश उन पे हुआ हो इन चारों में? शाहरुख खान सदा का क्रश है। ऑप्शन नंबर टू जॉनी डेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री गुलाम मोहियुद्दीन, एंड ऑप्शन नंबर फोर काशिफ के, ऑप्शन नंबर फाइव शान। चलो जी शान, ठीक है जी। तो पता है शान, मैं एक मजे की बात बताती हूँ। शाश्ले की हम शूटिंग कर रहे थे बारी स्टूडियोज में, और वहां पे शान जो था वो मूसा खान, तब वो ही वाज देयर। तो उसने मुझे कहा कि आई नो, मैंने देखा यू आर इन वन ऑफ जवाद अहमद सॉन्ग ना। मैंने कहा जी। उसने मेरे हम सबसे हाथ मिलाए, अल्लाह की कसम आई डिड वांट टू वॉश माय हैंड। हाय अल्लाह, शान ने मुझसे हाथ मिलाया। नहीं शान, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी हीरोज प्रोड्यूस किए वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। चलो जी, सेम आप पे भी कुछ वजारतें में पॉलिटिक्स में इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चलो कर ये जरा मुख्तलिफ किस्म की वजारतें। अच्छा, आप अपनी ही फील्ड में से किसी का नाम ले लीजिएगा, और अगर आपका दिल चाहे लल चाहे कि किसी पॉलिटिशियन का नाम ले तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। पहली वजारत, वजारत है जंक फूड। कौन है जो बहुत खाता है और हर वक्त खाने की बात, जंक फूड भी खाता है? टीपू। टीपू, टीपा, टीपा बहुत खाता है ना, उसको उसको कुछ भी दे दो ना। इंटरनेशनल एक्टर है जनाब टीपू, बहुत ताली होनी चाहिए टीपू, ब्रिलियंट एक्टर। वजारत नुमाइश व शोखी, इफ्फत रहीम। तो और क्या, पहले पीटीआई के जलसों में खड़े होकर चीखे मारा करती थी, अब यहाँ पे चीखे मार रही है। इनको अच्छी लगती थी? नहीं, मुझे तो कभी भी नहीं, मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने किसी वजह से, तो देखो मैंने पहले से भांप लिया। वजारत सेल्फी वो स्लोमो। आई थिंक आई वुड गिव इट टू सबा फैसल, वो इतनी सेल्फी और इतनी वीडियोस बनाती है, गुड चॉइस, गुड चॉइस, टिकटॉक सब वो चीजें करती है। वजारत इधर की बात उधर, वजारत इधर, हाय अल्लाह बहुत लोग कितने हैं ना, उफ ऐसे और सारे कह रहे हैं मैं लाइटों की तरह, नहीं मैं नहीं बोल सकती। नहीं नहीं, चलो मैं अपने आप को दे देती हूं। नादिया अफगन, ओके। नादिया अफगन ने नादिया अफगन को कहा है कि वजारत इधर की बात उधर। दोनों के लिए ताली बजाइए पहले तो। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। पुत्र छेती ना जा ते डॉलर सस्ता करके आ। हाय हाय, मैं जैनी हाँ, कोई डार नहीं हैगा। लेकिन फिर ये पता कर कि वो डॉलर सस्ता करदा कि मैं हे थे उन्हों ले उना लेने भी नहीं पता। हाकिम साहब, एक बात तो बताइए, जो आपने जितनी भी ऑडियो इकट्ठी की है, इसको आपने डार्क वेब पे ही क्यों रखा हुआ है? यार तुसी मैंने एक गल का जवाब दो। हाँ जी, मैं इतवार बाजार च ऑडियो का फटा ला लवा। हाँ। भाई जी, डार्क वैब से रखन की वजह होंगी है क्या? वो वजह यह वे कि डार्क वैब जी है ना, ये वजीरे आजम हाउस तो भी महफूज जगह है, उतों की गल लीक हो जाती, डार्क वैब की नहीं होंगी। वैसे चौधरी साहब बहुत गहरी बात कर दी है इन्होंने कि वजीरे आजम हाउस तो जो है वो तो सिक्योर नहीं है, क्या हम भी अपने राज जो हैं वो डार्क वेब पर रखें? ये हमारे लिए अवेकनिंग कॉल है, उठ जाओ,
सुते हो जाग जाओ। मरियम नवाज साहब कहा करती थी कि उनके पास बहुत सी ऑडियोस वीडियोस कहा करती थी, उन्होंने डराया सिर्फ किसी को दिखाई तो नहीं ना, इन्होंने तो रिलीज कर दी। दादी ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं, अगर किसी एक्टर की या किसी एक्ट्रेसेस की ऑडियो लीक हो तो आपको क्या लगता है कि उस एक्टर की ऑडियो लीक हो तो थरथली मच जाएगी? अच्छा, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। किस एक्टर की होगी तो थरथली मच जाएगी, हिल जाएगा, लोग भूल जाएंगे इनको। मेरे जहन में एक्टर्स आ ही नहीं रहे, नाम लो मैं बताती हूँ बाद में इसको एंड पे लेके जाते हैं। सबा हमीद से लेकर मायरा खान, मायरा खान से लेकर महमूद असलम, महमूद असलम से लेकर नुमान निजास, बेपनाह एक्टर हैं जिनके बारे में खलील रहमान कमर साहब का फरमान है कि वो इनके साथ काम नहीं करेंगे। क्या आप भी उनमें से हैं? किस बंदे की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता ये कौन है। खलील रहमान कौन है? खलील रहमान कमर, I don't know. You don't know? मैं ऐसे बंदे का नाम ना सुनना चाहती हूँ ना लेना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। I remember जब मैंने पहली दफा ABC, remember ABC होता था, गजनपुर इजाज बड़ाई साहब, तो मैं वहाँ पे मिली थी। I remember समीना आपा ने तब मुझे बुलाया था और तब फैमिली फ्रंट होने लगा था, तो मैं ABC में ऐसी उनके रूम के अंदर गई तो समीना आपा उस वक्त थी नहीं, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था यूं करके सिगरेट पी रहा था। किस तरह? पाँव ऊपर रखा हुआ था, तो मैं गई, मैं तो उस वक्त कुछ भी नहीं किया हुआ था, एक थिएटर प्ले किया था जैन के साथ ही, समीना आपा का जो बेटा है। सो आई वेंट देयर, बट मुझे ये पता था कि तमीज़दार किसे कहते हैं। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक, एक बंदा अंदर आया यूं करके खड़ा होता ना, एंड ही लुक्ड एट मी लाइक, मैंने ये कौन है भाई, मतलब खातून अगर आई हैं, लड़की भी हो, मैंने सलाम किया यूं करके। आई वॉज लाइक, मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं, जवाब नहीं दिया, कौन हो भाई तुम? आई वॉज लाइक, हेलो तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं है कि खादून का बात किस्सा कहते हैं? मुझे बड़े अजीब लगे, बाद में मुझे पता चला कोई बहुत बड़े राइटर है। तो हैं बड़े, तो होंगे यार राइटर, लेकिन एक अच्छा तो इंसान होना और अच्छा राइटर होना मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे, बहरहाल अबे यार तूने मुझे जिस बात पे भी काशिफ ये बात सवाल किया, लेकिन बात सिंपल सी है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ, मुझे वाइब्स आ जाती हैं लोगों से, और मैंने सोचा था ये जिस किस्म का भी राइटर होगा जिंदगी में, कभी इसने मुझे अगर बुलाया तो खब्बे पास जो आपकी इसके लिए काम नहीं करूंगी। इनसे क्या वाइब्स आ रही हैं आपको? मुझे मैं सच्ची बताऊं, मुझे सच्ची बहुत बहुत लॉयल है अपनी पार्टी से, जो कि एक पार्टी वर्कर के लिए होना चाहिए। इस सवाल में बहुत अच्छा जवाब दे सकती हैं। ये जो आजकल का कॉन्टेंट ड्रामों का हो रहा है, क्या नादिया अफगन इससे मुतमईन है कि जो ड्रामा हम पेश कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्या कमी है? बहुत रिग्रेसिव ड्रामा हो रहा है, बहुत एक ही तरह की चीजें हो रही हैं, बहुत वाहियात स्क्रिप्ट्स हो गए हैं, और इंसान को अब वी नीड न्यू टॉपिक्स। अच्छा ट्रस्ट किया, वाहियात वाहियात स्क्रिप्ट हो गए। ये बताइए कि ये जो ड्रामे हैं इसको साइन करने से पहले आप स्क्रिप्ट को फोकस करती हैं या मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूं या पैसों को? नहीं, मेरे दो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखती हूं। ओके, अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगे, कैरेक्टर अच्छा लगे, तो फिर मैं पैसों की बात करती हूं। ओके, पहले स्क्रिप्ट। अच्छा एक बात बताओ जिन भाई, जी ये कोकाफ में भी जोड़ू के गुलाम और ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेगमात के नीचे लगे होते हैं और बेगमात से बहुत डरते हैं, होते हैं ऐसे? जी जी, तो उनका फिर क्या करते हैं आप? उन्होंने फिर बावलनगर शिफ्ट कर दे। अच्छा जब वो भावल नगर शिफ्ट हो जाते हैं भावल नगर, तो वहाँ पे खामोश रहते हैं या बहुत बोलते हैं? नहीं नहीं, उथे उंज तो खामोश रहते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई गल करो तो फिर बोलते हैं, फिर नहीं चुप रहेंगे। भाई नादिया के घर की मिनिस्ट्री तो नादिया के हाथ में है, ये तो मुझे पता है, आपके घर की मिनिस्ट्री जो है वो किसके हाथ में? मेरे घर में बस सुकून सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली मेरी दुबई है, मैं यहाँ अकेला हूँ। अकेला की वजह से मिनिस्ट्री मैं अकेला। अच्छा मिनिस्ट्री मेरे अपने हाथ में है। चलिए एक बात बताइए कि आप भी खातून अव्वल पे यकीन रखते हैं या आप खातून दोएम, खातून सोएम, खातून चहारम पे यकीन रखते हैं? मेरे पास खातून अव्वल भी है, खातून दोम भी है। बड़े लकी आदमी है यार, बड़े बहादुर है भाई। खातून अव्वल भी है, खातून दोम भी है, और मैं फिर भी अकेला। तो खवातीन आजाद, थैंक यू सो मच,
यही था आज का हमारा प्रोग्राम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। आप दोनों के आने से प्रोग्राम को चार नहीं काफी अनगिनत चांद जो हैं वो लग चुके हैं। तो ख्वातीन आजाद ये था आज का प्रोग्राम तंजो मजा। ये जो एक्टर होते हैं, सियासतदान होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं, हम इनको फॉलो भी करते हैं और इनको फॉलो करते वक्त, इनको डिफेंड करते वक्त बाज़ औक़ात जो हैं हम हद भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इनको डिफेंड ज़रूर कीजिए लेकिन इनकी अच्छी बात को अच्छा कहिए, इनकी बुरी बात को बुरा कहिए और कोशिश ये करें कि आप जिसको फॉलो करते हैं अगर कोई उसकी बात बुरी है तो अनाह का मसला मत बनाएं, उसकी बुरी बात को निशानदेही करें ताकि माशरे की इस्लाह हो। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।